गाइस व्हाट्स अप, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एज वेल योर फैमिली मेंबर्स। कोविड महामारी का चलते हुए अभी हमारा ब्लैक फंगस के बाद और एक नया वाला स्ट्रेन जो व्हाइट फंगस है वो वाला अभी थोड़ा दिखने लगा है। सो गाइस जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा घर पे रहिए, एंड अगर ज़्यादा जरूरत ना पड़ती है तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकले, एंड जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद को भी वैक्सीनेटेड कीजिए। ये जो कोविड महामारी के चलते हुए भी एक जो बहुत बड़ा विवादी मसला अभी आके खड़ा हो गया है इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच, जो उन लोग का झगड़ा अभी तक चल रहा है, ये वाला कुछ भी नया मसला नहीं है, ये वाला बहुत ही पुराना है, लेकिन ये वाला थोड़ा अभी ज़्यादा उत्तेजित होकर बड़ा हो गया है। इस सब के पीछे मेन हाथ जो है वो है यूके का, आई मीन इंग्लैंड का। उन्होंने जैसे भारत पाकिस्तान को विभाजित कर दिए, ऐसे ही अभी इसराइल का भी वही कुछ हालत है। पहला जो था इसराइल पैलेस्टाइन के अंदर था, पैलेस्टाइन एक ही कंट्री था, इसराइल उसके अंदर छोटा छोटा आके था। इससे पहले जहाँ लोग उधर रहते हैं मुस्लिम लोग का ऑलरेडी आप लोग दो उनका जो रहता है मतलब धर्म स्थल उसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि हमारा जो हो गया एक मक्का एंड मदीना। ये मक्का और मदीना को छोड़ के और एक धर्मस्थली उन लोग का जिसका नाम है अलास्का, ये जो है हमारा अभी इजराइल पे। ये पहले था पैलेस्टाइन के अंदर, क्योंकि पहले इजराइल जो था हमारा पैलेस्टाइन के अंदर था। सो गाइस धीरे धीरे क्या हुआ, जो इजराइल था हमारा, इजराइल धीरे धीरे अपना एरिया पैलेस्टाइन के अंदर बढ़ाने लगा। इजराइल धीरे धीरे जैसे उधर अपना एरिया बढ़ाने लगा, उधर वो अपना एक ठो मतलब लाइक इंडिया वो एक ठो शासन करने के लिए उनका प्रेसिडेंट देन हो गया, उनका जो प्राइम मिनिस्टर देन उनका आर्मी ये सबको रख दिया। देन ये सब रहने से क्या होता है, एक लीडर रहने से कभी भी कोई भी चीज़ मतलब आप बिना हार के नहीं आ सकते हो। सो उनको एक तो अच्छा सा लीडर मिल गया। गुड लीडर मिलने के बाद क्या हुआ, उन लोग उनके पास मतलब ठीक चलते हुए टेक्नोलॉजी उनका अच्छा सा डेवलप हुआ, देन उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स आ गया, देन उनके पास बहुत सारा टैंक्स आ गया, जितना भी युद्ध करने के लिए जितना भी चीज़ चाहिए, जितना भी सामग्री चाहिए वो सब अभी इसराइल के पास अवेलेबल है। सो पैलेस्टाइन अभी क्या बोल रहे हैं, नहीं इसराइल को मैं कब्जा करूँगा, एंड इसराइल तुम पहले जैसे मेरे अंदर थे ऐसे मेरे जैसे आ जाओ। लेकिन इसराइल जो है, इसराइल का अभी एक ही मकसद है, वो कैसे भी करके वो पैलेस्टाइन को जितना भी जगह है उतना जगह को वो कब्जा करेगा। अगर इसराइल हर तरफ से अपना शत्रु देशों से घिरा हुआ है, अगर इसराइल अभी ये नहीं करता है देन क्या होगा, जितना भी उसका शत्रु देश थे जैसे लाइक सऊदी अरबिया हो गया, देन पैलेस्टाइन खुद भी, जो पैलेस्टाइन अभी जो इतना चिट्टी सा देश जो के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं वो भी खुद आके मतलब इसराइल का अस्तित्व नहीं रहेगा। और पैलेस्टाइन जो युद्ध कर रहे हैं उन लोगों का मतलब उन लोगों को चाहिए कि हमें जीतना है, उन लोगों का कुछ अस्तित्व नहीं चाहिए। और इसराइल अगर हार जाता है देन इसराइल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऑफकोर्स हम सबको पता है कि इसराइल ही जीतेगा। और ए पॉइंट कम इनसाइड आवर हेड, ये सब शुरू कैसे हुए, ये सब तब शुरू हुआ था जब इसराइल का अलास्का में कुछ मुस्लिम लोगों ने जब अपना धर्म स्थल पे कुछ मतलब नमाज पढ़ रहे थे। एट दैट टाइम क्या हुआ, पैलेस्टाइन का जो आतंकवादी संगठन है वो उन लोग कुछ एक मतलब उनके पास तो ज़्यादा कॉस्टली रॉकेट्स भी नहीं रहता है, उनका एक रॉकेट का प्राइस मतलब 3 लाख के आसपास है। आप सबको लग रहा है ये कैसा अभी 3 लाख को इतना कम बोल रहा है, लेकिन देखिए एक मिसाइल जो रहता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट 3 लाख इज रियली वेरी वेरी लो। सो उन लोगों ने क्या किया, एक बार में 400-500 मिसाइल एक साथ अटैक किए, कहाँ पे, इसराइल का अलास्का पे। एक बार 400-500 मिसाइल अटैक करने से क्या हुआ था, उधर जो बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसराइल क्या किया, इसराइल धीरे धीरे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैलेस्टाइन को उकसाया, क्योंकि इसराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन का मतलब आधा से भी ज़्यादा इसे ऑलरेडी कवर कर चुका है। सो उसको और ज़्यादा हिस्सा कवर करने के लिए फिर से इसराइल पैलेस्टाइन को उकसा रहा, एंड पैलेस्टाइन और ज़्यादा उसके एंड पैलेस्टाइन इसराइल पैलेस्टाइन को उकसाता रहा, एंड पैलेस्टाइन और ज़्यादा मतलब जोश पे आके वो क्या और ज़्यादा अटैक करने लगा। उससे क्या होता है, इसराइल एक छोटा सा देश है लेकिन उसका टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा हाईफाई है, एंड उनका जो मिसाइल्स है एंड बॉम्ब हो गया, टैंक हो गया, एंटी प्रतिरोधक मिसाइल जो भी हो वो सब बहुत ही ज़्यादा वाला कुछ पावरफुल है। सो ये इसराइल लोगों ने क्या किया, ये सब पैलेस्टाइन के ऊपर डाल दी। सो क्या है, पैलेस्टाइन भी मतलब इतना ऐसे ही, तो पैलेस्टाइन बहुत ही छोटा सा देश है, इसराइल भी ज़्यादा बड़ा ही नहीं है, इसराइल भी छोटा सा ही देश है, लेकिन इसराइल अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो फाइट किया उस फाइट में पैलेस्टाइन का बहुत सारा जगह ही उड़ा दिया। सो
एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसराइल को यह करना जरूरी था, क्योंकि इसराइल को अपना अस्तित्व बना के रखना है। इसराइल ऐसा नहीं करेगा देन क्या होगा, जितना भी उसका आसपास में जो उसका शत्रु राष्ट्र है वो लोग सब इसराइल का ऊपर कब्जा कर लेंगे, इसराइल का अस्तित्व नहीं रहेगा। सो दिस इज नॉट बैड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इसराइल जो भी किया ठीक है। देन आ गया इंडिया का समर्थन करते हुए, इंडिया का भी जो है हमारा पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड ऊपर जो रह गया हमारा चीन, मतलब चीन का अधिकृत जो कुछ कश्मीर, इंडिया डायरेक्टली अभी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया अगर डायरेक्टली अगर इसराइल को समर्थन करेगा देन पाकिस्तान भी बोलेगा मेरे को कश्मीर दो, क्योंकि इसराइल जो था वो पहले पैलेस्टाइन के अंदर था। अगर भारत अभी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं इसराइल ठीक है, देन अभी कश्मीर भी सॉरी पाकिस्तान भी बोलेंगे कि कश्मीर हमको दे दो, एंड जो सियाचिन पार्ट है हमारा चीन भी बोलेगा हमको सियाचिन चाहिए। सो इंडिया को भी क्या करना था, लेकिन ऊपर धीरे हल्के से कुछ जगह ना ताकत काम नहीं आता, कुछ जगह दिमाग काम आता है। सो इंडिया कैसा कह रहा है, मतलब धीरे से, लेकिन इंडिया जो है बहुत सारा टेक्नोलॉजी हमारा इसराइल से लाता है। सो इंडिया डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। एंड अगर इंडिया डायरेक्टली इसराइल को भी सपोर्ट करता देन इंडिया का जो ज़्यादा हो गया तेल का जो आमदनी होता है वो सऊदी अरबिया कंट्री, इराक, ये सबसे होता है। सो अगर इंडिया डायरेक्टली अगर इसराइल को सपोर्ट भी कर देता देन इंडिया का जो आमदनी है वो इंडिया को टोटली बॉयकॉट कर देते, एंड पेट्रोल का प्राइस तो ऑलरेडी 100 रुपीज़ है एंड और भी ज़्यादा बढ़ जाता। सो इंडिया ने डायरेक्ट नहीं किया, इंडिया का बहुत सारा लॉस भी था, लाइक मैं जैसे पहले की बोला, मतलब कश्मीर भी उधर से चला जाता, सियाचिन भी हाथ से चला जाता, पेट्रोल का रेट भी बढ़ जाता। काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो इंडिया इसराइल का समर्थन करता है, लेकिन पूरा ज़्यादा दिखा के भी नहीं करता है, क्योंकि इंडिया अगर ज़्यादा मतलब दिखा के भी कर देगा देन ये पाकिस्तानी लोग हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लोग सियाचिन को चीन ले जाएगा, दैट्स द ओनली रीज़न। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इसराइल का भी ये करना ठीक है, क्योंकि उधर एक तो लीडर है और वो अपना हक के लिए लड़ रहा है। सो आप लोगों का क्या व्यू है, आप जल्दी जाके कमेंट बॉक्स पे बोलो। होप सो ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, ये वाला वीडियो जो था मेरा ऐसे ही कुछ, मतलब मैं इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे घुसना मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा एक तो भैया है आकाश भैया, वो मेरे को बोले कि नहीं यू शुड मेड दिस वीडियो, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट टॉपिक जो है। सो उनका बाद में कभी करता नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे टाइम पे स्टैंड किए थे जिस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था, दैट्स द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ। होप सो ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सिटर बाय बाय, चला कौन मारो। हे गाइस मॉर्निंग, व्हाट्स अप, हे गाइस, पाकिस्तान का डिवाइड होने का एक तो बड़ा हाथ था, जैसा यूके का मींस यूक्रेन का, मतलब गाइस व्हाट्स अप, सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपका